हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। ओके व्यूअर्स, तो यही देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। अगर आप किसी न किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे जुदा होने के बाद कैसा फ़ील करते हैं और आज सुबह वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं कंडीशनिंग पॉसिबिलिटीज़, द माइजर, द रिबेल, फ्लावरिंग, द मास्टर एंड सॉरो। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि जब से आपके पार्टनर आपसे जुदा हुए हैं ना, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, काफ़ी दुखी हैं। और यहाँ ऐसा लगता है आप दोनों के बीच कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ज़रूर है जिसने रिबेल का काम किया है, आपको जुदा करने के लिए उसने काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन ना आपके पीठ पीछे से ही वार कर रहा था। ये आपको ऐसा लगता है कि ये आपके दोस्त हैं, बट कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर था आप दोनों के दरमियान जो आपके पीछे से काफ़ी सारे ऐसे काम किया करता था आपके पार्टनर को आपसे जुदा करने के लिए। मुझे ऐसे ही लगता है यहाँ कि किसी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस से ही आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और आप दोनों सेपरेट हुए हैं। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते थे और आपके पार्टनर भी आपको बहुत खूबसूरत मानते थे। इनको ऐसा लगता था कि आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो इनकी ज़िंदगी को खुशबू से भर देंगे। आपको ये एक ऐसे रूप में देखते थे कि ये आपके साथ शादी कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी जैसे पूरी हो गई है। बट अचानक से ही इस पर्सन के दिमाग में ऐसी कौन सी बातें आने लग गई जिसकी वजह से ये आपसे मूव ऑन कर गए हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा ही लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा तो पर्सन था जिसने आप दोनों को जुदा किया है। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी कुछ सही नहीं रही होगी। ये काफ़ी ना माइजर किस्म के इंसान हैं, ये काफ़ी कंजूस हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपकी यादों को आज भी सजो कर रखे हुए हैं और आपके साथ बिताए हुए पलों को ये आज भी याद करते हैं, मिस करते हैं आपको। आज सुबह भी ये आपको काफ़ी मिस कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि झट से ये आपके पास आ जाएं, आपसे बात करें। इस पर्सन का बहुत दिल था आज सुबह बात करने का, बट इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये आपके खर्चे नहीं उठा पाएंगे और ये ऐसा लगता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो इन दिनों सही नहीं चल रही है, इसकी वजह से भी ये आपसे दूर हैं। क्योंकि ये पर्सन ना काफ़ी माइजर हैं, ये जो भी कुछ भी इनको मिलता है ना ये संभालने की ही कोशिश करते हैं उसको, चाहे कि आपकी यादें हों या फिर आपके दिए हुए गिफ्ट्स हों। इस पर्सन ने हर चीज़ को संभाल कर रखा है और ये अपने पैसे को भी काफ़ी बचा कर रखते हैं, यानी ये सेविंग्स काफ़ी अच्छी कर लेते होंगे ये पर्सन, ऐसा लगता है। और ये पर्सन ना खुद की ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाने का सोचते हैं, इन्हें किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, कि चाहते हैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना। और ऐसा लगता है कि आप अगर इनसे कुछ भी कहते होंगे तो शायद ये आपकी बात मानते नहीं होंगे। ऐसा ही लगता है मुझे इस पर्सन को इस चीज़ का दुख है कि इसने आपको खो दिया है। बट हाँ, ये पर्सन आज सुबह ना ये भी सोच रहे थे खुद को चेंज करने का, क्योंकि इस पर्सन का जो नेचर पास्ट में रहा था अब इसने काफ़ी हद तक चेंज किया है। और इस पर्सन ने काफ़ी सारे ऐसे लोगों से भी दूरी बनाई है जो इनके बीच रिबेल का काम कर रहे थे, यानी कि आप दोनों के बीच जो रिबेल का काम कर रहे थे उनकी भी जो चालाकियाँ थी ना इस पर्सन की समझ में आने लग गई हैं। आज सुबह ये काफ़ी पछता रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने खामखाए ही आपको खो दिया है और शायद आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी ना, इस रिबेल ने उसको ही फ़ायदा उठाया है, ऐसा लगता है मुझे। यह इस पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों एक हो सकें। तो आज सुबह ना ये आपकी ही यादों में थे, आप ही के बारे में सोच रहे थे और काफ़ी तनहा और लोनली फील कर रहे थे खुद को। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना प्यारा सा पार्टनर खो दिया है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।